हेलो एवरीबॉडी सभी को नमस्कार मैं पवन संगर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में कैसे हैं दोस्तों आप सब आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस काफी दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहे हैं मेरे उसके लिए सॉरी सबसे पहले नाउ आपको वीक में मिनिमम टू वीडियोज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे देखिए नोटिफिकेशन कुछ टाइम पहले यूपी टीजीटी पीजीटी का आ चुका है अब एक बार री नोटिफाई होने वाला है दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो जो भी लोग टी जी टी पी जी टी इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूं बाकी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को भी अगर आप दे रहे हैं तो उनमें भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होंगे आज का जो दोस्तों सेशन है वो है वो कैब सेशन ईडियम एंड फ्रेजेस से राइट इडियम एंड फ्रेजेस के एसएससी में भी क्वेश्चंस पूछता है एमटीएस में सीएचएसएल में हर जगह क्वेश्चन बनते हैं इवन बैंकिंग एग्जाम्स में भी ईडेमन फ्रेजेस से आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को तो चलिए आज मैं आपको कराने वाला हूं 50 नॉन स्टॉप ईडेमन फ्रेजेस जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, राइट ये सीरीज अप टू 250 तक जाएगी लगभग मुझे 250 आप लोगों को ईडेमन फ्रेजेस कराने हैं ओके okay, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस सेशन को राइट right? देखिए तो फ्रेजेस के मिनिमम आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस बन जाते हैं ओके okay? तो इन फाइव क्वेश्चंस को एग्जैक्टली exactly हमें कैसे करना है कैसे हमें माइंड में रखना है फ्रेजेस को इतने सारे फ्रेजेस हैं तो मैं आपको वो फ्रेजेस कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है राइट right? तो आइए दोस्तों देखिए, आपका जो ईडियम फ्रेज है वो है का मीनिंग क्या होता है अ व्यू एट glance. राइट right? अब इसको देखो कनेक्ट कैसे करना है सबसे पहले जरूरी है कि आप वर्ड्स को कनेक्ट कैसे करते हैं माइंड में कोई भी वर्ड उड़ रहा है अगर वो ऊपर से किसी चीज को देखेगा लिसन अगर वो देखेगा तो वो उसे गौर से नहीं देख पाएगा वो कैसे देखेगा एट अ ग्लान्स से सरसरी नजर से किसी चीज को देखना तो आप ऐसे वर्ड्स वर्ड्स के इससे वर्ड से आप माइंड में रखेंगे कि words की जो आईज हैं उड़ते हुए किसी चीज को अगर आप देख रहे हैं तो आप कम देख पाओगे बहुत गौर से उसे नहीं देख पाओगे तो इसका मतलब क्या होता है अ व्यू एट अ ग्लांस किसी चीज को सरसरी नजर से देखना गोड एट चलो तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल को अ वर्ड्स आई व्यू ऑफ फ्रॉम एन एरोप्लेन ओके एरोप्लेन से मुझे इस टाउन का एक व्यू देखने दीजिए यानी कि आप अगर एरोप्लेन में उड़ रहे हैं और किसी चीज को आप देख रहे हैं तो गौर से नहीं देख पाएंगे आप उसे केवल एक व्यूज ले सकते हो गॉट इट नेक्स्ट आउट अगला वर्ड है लेम एक्सक्यूज अब देखिए लेम का अगर बात करें तो इसका मतलब होता है लंगड़ा राइट right?

डक इज अम एक्सक्यूज फॉर एप्सेंस अगर तो आपको हैडक हो रहा है तो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए और वो एक सपोज आपकी, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप क्या कहते हो कि मेरा सर दर्द है और मैं नहीं जाऊंगा इज इट क्लियर दोनों वर्ड क्लियर नेक्स्ट आउट अगला वर्ड अ मैन ऑफ लेटर्स समझना इस वर्ड को हम माइंड में कैसे रखेंगे लेटर्स की हेल्प से अब letters मतलब जो बंदा लेटर लिख सकता है समझ जाओ पढ़ा लिखा है इट मीन स्कॉलर है a man of letters का मतलब होता है कि कोई भी स्कॉलर बंदा बुद्धिमान व्यक्ति अब इसका एग्जाम्पल देखिए राधा कृष्ण इज मैन ऑफ लेटर्स आप किसी को भी बोल सकते हो मैन ऑफ लेटर अगर वो बंदा स्कॉलर है आपने कहा कि विवेकानंद वॉज अ मैन ऑफ लेटर राइट इस तरीके से लेटर मतलब पढ़ा लिखा बंदा है अ मैन ऑफ पार्ट्स ध्यान देना पार्ट्स यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में अगर कोई बंदा काम कर सकता है एबल है बहुत सारे एबिलिटीज हैं उसके अंदर उसे हम बोलते हैं अ मैन ऑफ पार्ट्स किसी भी पार्ट में काम करे एग्जाम्पल देखिए अ मैन ऑफ एबिलिटी ये इसका मीनिंग बनेगा अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं नरेंद्र मोदी इज अ मैन ऑफ पार्ट्स जो नरेंद्र मोदी हैं वो बहुत सारी एबिलिटीज अपने अंदर रखते हैं

ओके okay, और स्ट्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है तिनका छोटा सा तिनका उसे बोलते हैं अब सा तिनका यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है मैन ऑफ दोस्तों वो लोग होते हैं जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है उनकी कोई अपनी ओपिनियन नहीं है दूसरों के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं एक तरीके से वो दूसरों के हाथ की कठपुतली होते हैं उन्हें बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रो जिसका कोई अपना ओपिनियन नहीं है तुच्छ व्यक्ति अ मैन हु हैज नो ओपिनियन Of his own. Okay, उसकी खुद की कोई ओपिनियन नहीं है अब एग्जाम्पल से समझिए एग्जाम्पल से आप बहुत समझ जाएंगे no यानी कोई भी जो man of straw है, उसका कोई भी अपना कैरेक्टर की इंडिपेंडेंस नहीं होती है ही इज अ पपिट का मतलब क्या होता है कटपुतली लेड अबाउट एट विल ऑफ अदर्स जो दूसरों की इच्छाओं पर चलता है उसे बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ क्स्ट आओ अगले वर्ड पर आते हैं देखो अगला वर्ड बहुत ही फेमस वर्ड है तो एन आप, आ, बोलते है, एपल दिस्कौर्ड। दिस्कौर्ड का मतलब झगड़ा लड़ाई झगड़ा होना एपल का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज मेन लड़ाई का झगड़ा का मेन पॉइंट क्या है ओके okay, मेन जड़ जिसे बोलते हैं ना रूट कॉज क्या है उसका इसका मीनिंग क्या होता है बोन ऑफ कंटेंशन ये वर्ड भी पूछा जाता है ये भी एक फ्रेज है तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों इसका मीनिंग होता है कॉज ऑफ क्वारल राइट झगड़े की मेन जड़ क्या है झगड़े का मेन कारण क्या है उसे बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अब देखो जैसे इंडिया और पाक के बीच में पहले वो बोन ऑफ कंटेंशन क्या था कश्मीर का मुद्दा एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड इसको भी बोल सकते हैं आप आपने देखा होगा कोई भी लैंड का जमीन का टुकड़ा है दो फैमिलीज के बीच में वो बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है इसी तरह से हम बोलते हैं apple of discord और bone of contention दोनों सेम हैं, of quarrel. Option में ये भी मिल सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं द हॉस्टल सुपरिटेंडेंटशिप वॉज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो हॉस्टल की सुपरटेंडेंटशिप थी वो क्या थी झगड़े की जड़ थी किसके बीच में अमंग टीचर्स कि भाई इस स्कूल का सुपरिंटेंडेंट कौन बनेगा हॉस्टल का सुपरिंटेंडेंट कौन बनेगा ये क्या था झगड़े की मेन जड़ कारण था राइट right. अब नेक्स्ट आओ एप्पल एप्पल ऑफ ऑफ वन साइज का का मीनिंग क्या होता है जो हिंदी में बोलते हैं आंखों तारा वेरी डियर जिसे बहुत प्यार करते हैं आप okay, ओके वो कोई भी हो सकता है और आपने देखा होगा फैमिलीज में ज्यादातर छोटे जो होते हैं ना भाई बहन वो आंखों के तारा जल ज्यादा होते हैं घर वालों के सारा प्यार उन्हीं पे दिखता है तो हिज यंगेस्ट सन Is an apple of his eye. उसका जो छोटा भाई है वो उसकी आंखों का तारा है Got it? Next आते हैं अगले वर्ड पर अब देखिए अगला वर्ड क्या है पेन अब देखिए मैं कुछ भी नोट कर रहा हूं अब मेरा पेन स्लिप हो गया यानी कि मेरे से कुछ गलती हो गई अफ पेन का मीनिंग भी यह होता है कि अलाइट मिस्टेक इन राइटिंग लिखने में कोई छोटी सी गलती हो जाना उसे बोलते हैं अलिप ऑफ पेन Right. सुनिएगा एग्जाम्पल देखते हैं दिस इज ओनली अ स्लिप स्लिप ऑफ़ ऑफ़ केवल एक है यानी कि छोटी सी मिस्टेक है सुना होगा ऑल इन वन मीन क्या होता है होल एंड सोल जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है ओके okay? बहुत सारे काम कर सकता है या जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड है तो सुनिएगा स्कूल in in जो हेडमास्टर है स्कूल का वो क्या है ऑल इन वन है यानी होल सोल है हिंदी में बोलते हैं सरवे सरवास नेक्स्ट आओ इलेवंथ अगला वर्ड देखो अस्लिप ऑफ टैसे बोला था ना आपने अस्लिप ऑफ पेन थोड़ी सी गलती हो जाना लिखने में और ट मतलब बोलने में अगर बोलने में आपसे गलती हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे अस्लाइट मिस्टेक इन स्पीकिंग ओके okay, बोलने में अगर आपसे गलती हुई तो उसे बोलेंगे आप स्लिप ऑफ डाउन राइट दोस्तों आई होप ये बात समझ गए होंगे ओके भाई सेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है शेयर करें लाइक करें अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें सुनो दिस इज स्लिप ऑफ डाउन ये केवल क्या है एक स्लिप ऑफ डाउन है बोलने में आपसे गलती हो गई थोड़ी सी अगला वर्ड देखो ट्वेल्थ वर्ड है अ स्नेक इन ग्रास कोई भी स्नेक जो घास में छुपा हुआ है समझना यानी कि सीक्रेट इनमी है वो ऐसा बंदा जो आपका छुपा हुआ दुश्मन है आपको दिखा कुछ और रहा है लेकिन है लेकिन वो आपका दुश्मन उसे बोलते हैं हम स्नेक इन द ग्रास तो अ सीक्रेट फो फो वर्ड का मीनिंग भी होता है एनिमी ध्यान देना ये आपसे सिनोनिम में पूछ सकता है फो वर्ड का सेम बताइए सिमिलर बताइए तो इसका मीनिंग क्या होगा एनिमी यानी दुश्मन आपका सीक्रेट फो मे बी कॉल्ड स्नेक इन द्रास छुपा हुआ दुश्मन उसे ही हम बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास ओके? और हिंदी में क्या बोलते हैं आस्तीन का सांप सुना होगा बहुत ही फेमस फ्रेज है आस्तीन का Next आते हैं. अगला वर्ड है समझना कनेक्ट करके आपको सीखना है एट वंस विट्स एंड ओके अब सुनो जैसे विट्स है आपने पढ़ा होगा लिटरेचर की बात करें तो यूनिवर्सिटी वेट्स Okay. तो जो विट्स है विट्स का मतलब होता है बुद्धिमान बुद्धिमान बंदे जो इंटेलिजेंट हैं इंटेलेक्चुअल हैं उनको बोलते हैं विट्स तो समझना विट्स का एंड होना यानी बुद्धि का विनाश होना एक तरीके से मतलब जब बुद्धि विनाश हो जाती है तो बंदा कैसा हो जाएगा पजल्ड कंफ्यूज कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई करना क्या है आखिर तो एट वंस विट्स एंड का मीनिंग है पजल्ड एंड टोटली कंफ्यूज्ड got it wits मतलब बुद्धि बुद्धि का एक एंड हो जाना मतलब क्या पजल हो जाना ऐसे समझना है ही वाज एट हिज विट्स एंड टू हियर ऑफ हिज डिस्मिसल ओके जब उसने अपने जॉब का डिस्मिसल सुना कि भाई उसे निकाला जा रहा है तो वो कंप्लीटली क्या हुआ उसका माइंड ऑफ हो गया दिमाग खराब हो गया ट्रबलड हो गया पजल्ड हो गया कंफ्यूज्ड हो गया ओके okay? तो एट वर्न्स विट्स एंड का मतलब क्या है टोटली कंफ्यूज नेक्स्ट आइए अगला वर्ड है बेड ऑफ रोजेस बहुत इजी वर्ड है बेड ऑफ रोजेस यानी कि कोई बेड है और उस पर बहुत सारे रोजेस पड़े हैं आराम से लेटो मतलब क्या हुआ कंफर्ट जोन आपका तो कंफर्टेबल प्लेस को हम बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस जैसे सुनना आपने कहा द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस वो क्या है बेड ऑफ रोजेस नहीं है बोल तो देते हैं अगर मैं प्रेसिडेंट होता लेकिन भाई साहब जो चेयर पर बैठा है प्रेसिडेंट ही उसे पता है कि कितने कांटे हैं वहां पर ओके कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कितने जवाब देने हैं लोगों को तो ऑफ रोजेस का मतलब होता है कोई भी आसान कंफर्टेबल प्लेस इजी नेक्स्ट आओ अगला वर्ड है वर्ड्स ऑफ अ फैद ओके अब आपने देखो तो को, एक कोटेशन भी सुनी होगी वर्ड्स ऑफ सेम फैदर ओके यानी एक जैसे लोग वर्ड्स ऑफ फैदो मतलब यहाँ पे पंख से है वर्ड्स मतलब समझ गए एक ही आपने देखा होगा एक साथ जब बहुत ज्यादा ग्रुप होता है वर्ड्स का एक जैसे पक्षी होते हैं उसमें सारे इट मीन्स मैन ऑफ सेम नेचर ओके और ये लोगों के लिए यूज होता है एक जैसे लोगों के बीच में दोस्ती बहुत जल्दी होती है आपने देखा होगा कि अगर कोई बंदा ड्रिंक करता है तो उसका जो फ्रेंड है वो भी ड्रिंक कर रहा होगा और ज्यादातर ऐसा मिल जाता है कि भाई ड्रिंक का ड्रिंक ओके okay, कोई स्मोकर है तो स्मोकर को फ्रेंड स्मोकर बन जाता है इट मीन्स मैन ऑफ सेम नेचर ओके भाई ये कोई पर्मानेंट नहीं नाइनटी नाइन परसेंट केसेस में ऐसा मिलता है ये कोई ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है राइट right. तो मैन ऑफ सेम नेचर उसको बोलते हैं सुनेगा वर्ड्स ऑफ अ फैदर फॉक टूगैदर यानी कि जो सेम नेचर के लोग होते हैं वो एक ही फॉक में झुंड में रहते हैं एक साथ रहते हैं वो लोग राइट right. उनके अंदर दोस्ती जल्दी होती है नेक्स्ट ऑप नंबर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ओके बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है देखो समझना बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आप ऐसे समझिए कि अचानक से कोई चीज कंडीशन क्या है ब्लू हो जाना ब्लू मतलब यहां पे नेगेटिव से आप लेंगे यानी सडन मिसहैप होना अचानक मिसहैपनिंग हो जाना उसे बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ओके यहां ब्लू वर्ड नेगेटिविटी को इंड ओके यहां शो कर रहा है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होगा सडन मिसहैपनिंग होना अचानक से कुछ बुरा हो जाना सुनिए द न्यूज ऑफ हिज मदर्स डेथ उसकी मां की जो डेथ की खबर थी केम अ फ्रॉम द ब्लू वो क्या हुआ एक तरीके से सडन मिसहेप उसके लिए साबित हुआ ओके okay? मदर की डेथ की जो न्यूज आई वो एकदम क्या बना सडन मिसहैप हुआ किसी भी पर्सन के लिए गॉट इट गाइज नेक्स्ट आउट अगला वर्ड है

बताता है क्या बताता है कोक बुल स्टोरीज फॉल्स स्टोरीज को सुनाता है राइट नेक्स्ट आओ नंबर एटीन है क्रोकोडाइल टीयर्स देखो तो क्रोकोडाइल टीयर्स वर्ड का मतलब क्या होता है क्रोकोडाइल वाटर में रहता है और उसके टीयर दिखेंगे नहीं अगर वो रो भी रहा है तो भी ऐसा लगेगा सेम सा तो इसका मतलब होता है शोई टीयर्स यानी दिखावटी आंसू मगर मच के आंसू यानी दिखावटी आंसू होते हैं ना मन में कुछ और चल रहा है और आंसू बहाये जा रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं crocodile tears आप सुनिएगा ध्यान से ही शोड हिज क्रोकोडाइल टीयर्स वो क्या दिखा रहा था अपने क्रोकोडाइल टीयर्स को दिखा रहा था व्हेन आंट डाइड मन में तो ये होगा कि आंटी की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए लेकिन फिर भी भाई रोना तो पड़ेगा ना तो रो रहा था लेकिन वो टीयर्स कैसे थे क्रोकोडाइल टीयर्स राइट राइट जैसे आपने देखा होगा कि शशांक सिंह राजपूत वाली जो ट्रेजेडी हुई उसमें कुछ लोग क्रोकोडाइल टीयर्स दिखा रहे थे ओनली

जो विंड थी वो एकदम हमारे सामने से थी वेन इट इज ब्लोइंग अपोजिट द कोर्स ऑफ द सेलिंग शिप जो बहता हुआ शिप था उसके एकदम डेड हेड यानी एकदम सामने से अब आपने देखा होगा कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप बाइक से जा रहे हैं तो आपके डेड अहेड एकदम बस आ जाए ओके और बाल बाल बच जाए उसे हम क्या बोलते हैं एक तरीके से डेड अहेड आना एकदम सामने फ्रंट पर आ जाना ओके इसी से अहेड मतलब आगे और डेड का मतलब मरने वाली सिचुएशन क्लियर नेक्स्ट ऑफ डॉग इन दैज पॉलिसी भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉग इन द मैज पॉलिसी सुनिएगा होता क्या है इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि हम किसी दूसरे वंदे को इंजॉय करने से रोकते हैं जो हमें पसंद नहीं ध्यान देना जो हमें अच्छा नहीं लग रहा हम दूसरे को करने से भी रोकते हैं भाई सबकी इंडिविजुअल लाइफ है राइट अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत करिए दूसरे को क्यों रोक रहे हैं तो सुनना वन हु प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम इंजॉइंग समथिंग डिस्पाइट है उसके लिए कोई यूज नहीं है लेकिन सामने वाले को रोक रहा है वो कि भाई ऐसे नहीं करोगे अगर आप वेजिटेरियन है तो सामने वाले से भी कह रहे हैं भाई वेजिटेरियन वेजिटेरियन अगर आप ड्रिंक नहीं कर रहे हो तो सामने वाले को भी आप रोक रहे हैं तो ये क्या होता है डॉग इन अंजिसी अ डॉग इन पॉलिसी इज नॉट गुड सबको इंडिविजुअल फ्रीडम okay, होनी चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो कर पाएन क्राई बहुत ही फेमस वर्ड ह्यू एन क्राई का मतलब होता है शोरगुल इसी से एक वर्ड आपने सुना होगा पैंडमोनियम ओके पैंडमोनियम उसका मीनिंग भी and cry है. होना बहुत ज्यादा नॉइजी The villager raised a hue and cry at the sight of the robbers. जैसे ही रेस तो कर दिया देखो, जैसे ये रूम है इसके अंदर की बात भी हमें पता है की बात और इसके बाहर की बात भी हमें पता है यानी कि हमारे पाथ में पूरी डिटेल है ऐसे माइंड में रखना एंड आउट्स का मतलब क्या होता है अंदर बाहर की सारी जानकारी आपके पास है यानी कि डिटेल्स में किसी चीज के बारे में आपको पता है आई नो द द इंस एंड आउट्स ऑफ मैटर मैटर यानी कोई भी matter है मुझे उसकी पूरी डिटेल है अंदर बाहर की पूरी खबर है यानी डिटेल में किसी चीज के बारे में पता होना उसे हम बोलते हैं इंस एंड आउट्स आउटेट नेक्स्ट आउट देखो दोस्तों अगर आप कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे ना तो ये लॉन्ग टर्म तक माइंड में नहीं रहेंगे अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप एक बार और देखें रिवर्स करके दोबारा देखें दो बार देखें तीन बार देखें लेकिन समझ में जरूर आएगा ओके और जब तक आप वर्ड्स को कनेक्ट नहीं करोगे विद एग्जांपल्स नहीं माइंड में सेट करोगे आप बहुत लंबे समय तक वो कैप को माइंड में नहीं रख पाओगे चलो नेक्स्ट आओ अगला वर्ड है जैक ऑफ ऑल ट्रेट सुनिएगा अब यहां पर ना जैक से याद रखो आपने देखा होगा कि हमारे पास जैसे कोई कार है ओके okay, सपोज इस तरह से मैं एक डायग्राम बना ले रहा हूं छोटा सा कार जैसा लग रहा होगा कार है अब हम कार में क्या करते हैं जब टायर पंक्चर हो जाता है तो हम जैक लगाते हैं ओके सपोज सॉरी ये जैक लगा दिया अब एक ऐसा जैक जो सभी ट्रेड्स में लग जाए मैंने सब मान के चलो सभी कार में लग जाए राइट right? क्लियर है तो इट मीन्स क्या हो गया एक ऐसा चीज जिसे हम जो ऑल एन ऑल है जिसे सब कुछ आता है यानी कि हर चीज में फिट हो जाए वो उसे बोलते हैं हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड अब इसको कनेक्ट करो कैसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब हिंदी में माना जाता है हार्फन मॉला क्या बोलते हैं हारफन मॉला अब जैक ऑफ ऑल ऑल्ट्रेड का मतलब है वन हु नोज एवरीथिंग सॉरी वन हु नोज समथिंग जिसको कुछ पता है ऑफ एवरीथिंग सब कुछ का यानी कि वो चीज जैक ऑफ ऑल ट्रेड मानी जाती है जिसे थोड़ा 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 नॉलेज सबका होता है यानी कि वो किसी एक चीज में मास्टर नहीं है वो उसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज सब कुछ है उसे बोलते हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, राइट यानी एक ऐसा जैक जो सभी जगह लग जाए यानी कि उसे सब कुछ आता है थोड़ा 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 थोड़ा, -थोड़ा सब कुछ आता है लेकिन वो परफेक्टली किसी चीज में मास्टर नहीं है सुनिए अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज जनरली द मास्टर ऑफ नन यानी कि एक कोई भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है वो किसी भी चीज में मास्टर नहीं होता ओके okay, किसी भी चीज में मास्टर नहीं है उसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज सब चीजों की है नेक्स्ट किंग ऑफ टेरर्स अब देखो बहुत ही अच्छा वर्ड है किंग ऑफ टेरर्स यानी कि जितने भी डर हैं जितने भी डर हैं उनमें सबसे बड़ा डर किसका होता है वो होता है डेथ का ओके okay, बिल्कुल सच्चाई है आप कितने भी कुछ भी हो लेकिन मौत से देखो सबको डर लगता है जब मौत आती है तो ओके okay, बोलना आसान होता है कि मैं मौत से नहीं डरता लेकिन रियलिटी में सभी लोग डरते हैं तो सबसे बड़ा जो टेरर है दुनिया में वो किसका होता है डेथ का ओके okay, सुनिएगा कौन बंदा है जो नहीं डरता है किससे द किंग ऑफ टेरर मौत से यानी कि कोई भी नहीं ओके okay, आप ये मान के चलो लगभग सभी लोगों को डर लगता है ओके okay, तो दोस्तों टोटल देखो हम लोग करने वाले हैं 50 अभी बस आगे बढ़ते हैं और ये आपका अपना YouTube चैनल है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ओके अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है शेयर करें लाइक करें ओके पर्सनली अगर कोई एडवाइस है तो भी आप कमेंट करें तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है राइट आइए नेक्स्ट ऑफ ट्वेंटी फिफ्थ पर आते हैं ट्वेंटी फिफ्थ का वर्ड जो है जो फ्रेज है वो है लॉफ्स एंड फेसेस सुनेगा लॉफ आपने सुना होगा फिश एक वर्ड होता है आ, a loaf ऑफ ब्रेड आपने सुना होगा लॉफ का मतलब एक तरीके से आप काउंटिंग जब करते हैं ना ब्रेड की रोटियों की तो उसे लॉफ बोलते हैं a loaf ऑफ ब्रेड ऐसे a piece of ब्रेड ऐसे ही बोल देते हो फिश ओके आपको पता ही होगा fishes. okay तो लॉफ्स एंड fishes का मतलब क्या होता है एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ओके यानी कि ब्रेड और फिश आपको एक्स्ट्रा दे दी जाए उसे बोलेंगे लॉफ्स एंड फिशेस मीनिंग क्या होगा इसका जो हिडन मीनिंग है वो है इमोलुमेंट्स इमोलुमेंट्स का मतलब होता है अतिरिक्त फायदा होना टेंजिबल बेनिफिट्स और रिवार्ड्स यानी कि जो आपको सामने दिख रहे हैं रिवार्ड्स जैसे आप किसी कंपनी में जा रहे हैं जॉब कर रहे हैं आपको 15000 सपोज मिल रहा है लेकिन इस फिफ्टीन थाउजेंड के अलावा आपको लॉफ्स एंड फिशेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी कैसे आपको कैब दे रही है ओके टी ब्रेक मिल रहा है कॉफी मिल रही है अगर ब्रेकफास्ट मिल रहा है ओके छोटी छोटी पार्टीज मिल रही हैं, तो ये सब क्या होते हैं टेंजेबल बेनिफिट्स होते हैं ओके, आपको ईयरली इंक्रीमेंट मिल रहा है तो इन सबको हम बोलते हैं लॉफ्स एंड फिशेज जो हमारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं तो सुनिएगा ही वॉज वेरी ईगर वो कैसा था बहुत उत्सुक था फॉर द एंड लॉक्स ऑफ द ऑफिस ऑफिस में मिलने वाली रिवॉर्ड्स और बेनिफिट के लिए राइट क्लियर ओके सुनिए अगला वर्ड मैडन स्पीच ओके अब देखो मैडन का एक और वर्ड होता है अनमेरिड okay, ओके जिसने कोई अभी जिसने शादी नहीं की एक तरह से बैचलर फीमेल के लिए यूज होता है मैडन मैडन स्पीच वर्ड का मीनिंग क्या होता है आपका पहला फर्स्ट स्पीच पब्लिकली आपने जो भी फर्स्ट स्पीच दिया है पब्लिकली उसको बोलते हैं मैडन स्पीच राइट सुनिएगा द फर्स्ट स्पीच ऑफ अ न्यू मेंबर इन अ पब्लिक आप पब्लिक के अंदर जब पब्लिक के बीच में जाकर जो अपना फर्स्ट स्पीच देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं मैडन स्पीच हिज मैडन स्पीच वॉज अपलोडेड बाई द होल हाउस उसका जो पहला भाषण था वो पूरे फर्स्ट जो स्पीच थी वो सब जितने भी लोग थे हाउस के ओके जैसे हाउस आपने सुना होगा पार्लियामेंट वगैरह हाउस ने अपलोडेड किया यानी कि ताली बजाकर उसका स्वागत किया अपलोडेड मतलब ताली बजाकर किसी का संबोधन करना स्वागत करना नेक्स्ट आइए अगला वर्ड है ओपन सीक्रेट ओके okay. ओपन भी है और सीक्रेट भी है यानी कि ऐसा सीक्रेट दोस्तों जो आपको लगता है सीक्रेट है लेकिन सबको पता है पता सबको है लेकिन लगता ऐसा है ऐसा कि नहीं नहीं सीक्रेट है ये तो बात सीक्रेट बट नॉन टू ऑल ऐसा सीक्रेट जिसे सब कोई जानता है हर बंदा जानता है अब आपको पता ही जैसे आपने देखा होगा हम लोग बोलते हैं कि भाई जो लीडर्स होते हैं वो करप्ट होते हैं है ना पुलिस है ब्राइब लेती है ये ऐसे सीक्रेट्स हैं जो सबको पता है ब्राइबरी अमंग ओके जो रिश्वत खोरी है किन के बीच में पुलिस के बीच में है ना देखो अगर आप पुलिस में हो भाई आपके पेरेंट्स तो बुरा मत मानिएगा सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं लेकिन ये माना जाता है 99% परसेंट मान लेते हैं एक परसेंट लोग ऐसे हैं जो इस केस से अलग होंगे तो ब्राइबरी अमंग द पुलिस वॉज वंस एन ओपन सीक्रेट ओके ये बात पहले ये मानी जाती थी कि यह एक ओपन सीक्रेट है लेकिन पता किस हर किसी को बंदे को कि भाई ऐसा होता है ओके नेक्स्ट एंड कॉन्स एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है कोई भी चीज जिसके आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के बारे में आप जान रहे हैं दोनों के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉज एंड कॉन्स जैसे एवरीथिंग इन फेवर और अगेंस्ट जो भी आपके फेवर में है वो आपको पता है जो आपके अगेंस्ट है वो भी आपको पता है यानी कोई भी सिचुएशन है उसके आपको प्रॉज एंड कॉन्स पता होने चाहिए आई थॉट ओवर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मैटर जो भी मैटर था मैंने उसके जितने भी नेगेटिव थे जितने भी पॉजिटिव थे सबको जाना उसे हैं प्रॉज एंड कॉन्स ओके नेक्स्ट आओ अगला वर्ड अगला वर्ड है द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ओके अब देखो लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है आपको सब कुछ पता है तो लॉन्ग को आप माइंड में कैसे रखना कि भाई द लॉन्ग एंड द शॉर्ट लॉन्ग को शॉर्ट कर देना माइंड में कैसे रखेंगे लॉन्ग को शॉर्ट कर देना मतलब क्या है समराइज कर देना किसी चीज की समरी देना उसे बोलते हैं द लॉन्ग एंड द शॉर्ट अब सपोज आप तीन घंटे की मूवी को देखते हो तो तीन थ्री आवर्स की मूवी को देखने के बाद में आप अपने दोस्त को अगर स्टोरी सुना रहे हो तो क्या तीन घंटे लोगे नहीं ना उसे हम क्या सुनाएंगे द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ओके okay, समरी बताएंगे कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या था कोई भी वेब सीरीज देख रहे हो आप ओके okay, जैसे वेब सीरीज आपने कोई भी देखी राइट right? उसका आपको स्टोरी बतानी है तो आप कंक्लूड करके उसकी समरी बता दोगे उसे बोलते हैं द लॉन्ग एंड द शॉर्ट टेल मी ओनली द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर जो भी मैटर है उसका हमें लॉन्ग एंड द शॉर्ट बताओ भाई पूरा डिटेल नहीं चाहिए नेक्स्ट आओ द मैन इन द स्ट्रीट सुनिएगा अब ये कोई स्ट्रीट है गली है? गली में कोई बंदा घूम रहा है सुनना गली में कोई बंदा घूम रहा है तो माना जाता है कि गली में घूमने वाला बंदा एक ऑर्डिनरी है कैसा है ऑर्डिनरी वो कोई भाई अब मोदी जी थोड़े ना गलियों में घूमेंगे ऐसे या कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी थोड़ी ना ऐसे गलियों में घूमेगी तो ऑर्डिनरी बंदे गलियों में अक्सर घूमते रहते हैं सुनना तो मैन इन द स्ट्रीट को माना जाता है ऑर्डिनरी यानी आम जनता जितने भी लोग हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं मैन इन द स्ट्रीट तो सुनो इवन द मैन इन द स्ट्रीट यहां तक कि जो ऑर्डिनरी बंदे होते हैं knows, जानते हैं किसके बारे में महात्मा गांधी भाई जिसने भी देखो इंडियन करेंसी को टच किया होगा आपको पता है महात्मा गांधी का उस पर फोटो लगा हुआ है तो सभी लोग जानते हैं ऑर्डिनरी जनता कैसी भी हो नेक्स्ट आइए द सम एंड सबस्टांस देखो ये भी वर्ड है द लॉन्ग एंड द शॉर्ट

टेल मी दबस्टांस ऑफ योर आर्ग्यूमेंट जो आपका आर्ग्यूमेंट हुआ उसका मुझे sum and substance बता दीजिए, right? भाई बहुत important word, बहुत ही ज़्यादा है, यानी अब थ्री में समझना एक तो आता है रीडिंग आर राइटिंग का आर डब्ल्यू का साउंड यहां पे नहीं लेते हैं इसलिए इसको भी आर माने इसको भी आर माने एंड अर्थमेटिक का आर ओके okay? इस तरह से आपको तीन आर माइंड में रखने हैं यानी कि कोई भी बंदे किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां पे उसमें रीडिंग स्किल है राइटिंग स्किल है या अर्थमेटिक जोड़ गुणा भाग ये सब ओके okay? एडिशन सब ये सब चीजें मान के चलो तो थ्री आर्स का मतलब है रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक की बात चल रही है मोर देन सेवन परसेंट विलेजेस आर इग्नोरेंट ऑफ थ्री आर्स ओके अब तो ऐसा डाटा नहीं है ये डाटा चेंज हो चुका है लेकिन फिर भी मान के चल रहे हैं हम कि भाई लगभग 75 परसेंट जो विलेजर्स हैं वो इग्नोरेंट हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी होती है राइटिंग स्किल्स की रीडिंग स्किल्स की राइटिंग स्किल्स की और अर्थमेटिक के बारे में नॉलेज थ्री आर्स ये आपको बोलना है कि इट्स अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग थ्री आर्स नेक्स्ट आइए एट सिक्स एंड सैवंस एट सिक्स एंड सैवं का मतलब क्या होता है इन अ डिसऑर्डरली Okay. अब कोई भी आपका रूम है ज्यादातर स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ okay. वो क्या करते हैं उनका रूम देखिए आप कहीं शूज पड़े हुए हैं कहीं बुक्स पड़ी हुई हैं कहीं क्लॉथ्स पड़े हुए हैं आपके तो ये क्या है एट सिक्स बिखरा हुआ सब कुछ इधर उधर उसे हम क्या बोलते हैं इन अ डिसऑर्डरली तो ही कीप्स हिज बुक्स वो अपनी किताबों को रखता है एट सिक्स

ही इज अ चिकन हर्टेड फैलो वो कैसा बंदा है भैया उसका छोटा सा दिल है चिकन हर्टेड है मतलब टिमिड है एक तरीके है, चोटी -चोटी से डर उसे छोटी छोटी चीजों से डर लगता है नेक्स्ट अगला वर्ड क्लोज फिस्टेड देखो फिस्ट का मतलब होता फिस्ट का मतलब क्या होता है मुठी एक तरीके से ऐसे मान के चलना क्लोज फिस्टेड मुठ्ठी को बंद करके रखने वाला बंदा उसे क्या बोलते हैं माइजर ओके पॉकेट का पैसा बाहर ही ना निकाले उसे क्या बोलते हैं माइजर कंजूस टाइप का बंदा ओके okay. अब कंजूस के लिए एक और वर्ड है इसे माइंड में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्ड है निगार्ड नोट कर लेना इसको भी निगार्ड एन आई जी जी ए आर डी ये इसका मतलब भी क्या है कंजूस सुनिए ही इज अ क्लोज विस्टेड मैन वो कैसा बंदा है एकदम क्लोज विस्टेड है पैसा एक रुपया खर्च नहीं करना चाहता उसे हम बोलते हैं क्लोज विस्टेड नेक्स्ट आइए फास्ट एंड लूज फास्ट एंड लूज वर्ड ओके फास्ट एंड लूज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है माइंड में रखना फास्ट एंड लूज इससे एक और वर्ड बनता है प्ले फास्ट एंड लूज ओके और यह जो फ्रेज है ना दोस्तों कई बार आपके लिए एग्जाम में ये फिलिंद ब्लैंक्स में भी आता है प्ले ब्लैंक एंड लूज ऑप्शन में देगा टाइट ऐसे फास्ट स्ट्रोंग ओके okay, ऐसे दे देगा और आपसे कहेगा ब्लैंक को फिल करो तो आपके माइंड में होना चाहिए प्ले फास्ट एंड लूज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी को चीट करना धोखा देना तो फास्ट एंड लूज का मतलब होता है धोखेबाज एक तरीके से ओके okay, धोखे देने वाली जो क्वालिटी होती है इंसान की नेगेटिव उसे बोलते हैं फास्ट एंड लूज आई डोंट लाइक अ फास्ट एंड लूज पॉलिसी विद एनिवन मैं किसी भी बंदे के साथ में धोखा नहीं चाहता हूं मुझे पसंद नहीं है ये पॉलिसी दो के वाली यानी बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहिए ओके नेक्स्ट ऑप अगला वर्ड अगला वर्ड है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट से दोस्तों देखो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे पहला आपसे पूछेगा मीनिंग क्या है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्ड का मीनिंग होता है बिफोर एवरीथिंग एल्स यानी सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पर सबसे पहले जैसे स्टूडेंट के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क क्या है स्टडी करना बाकी के सारे सेकेंडरी हैं दूसरा आपसे कई बार ऐसे पूछ लेता है कि भाई फर्स्ट एंड फॉर्मोस्ट में डिफरेंस क्या है ओके तो फॉर्मोस्ट का मतलब होता है मेन राइट right? और फर्स्ट का मतलब होता है काउंटिंग में ओके okay? नंबर्स में पहला राइट right? पोजीशन में पहला उसे बोलते हैं हम फर्स्ट अब जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूं मैंने बोला कि माय फादर इज द फॉर सॉरी माई फादर इज द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली मेरे फादर मेरी फैमिली में आपसे कहेगा फाइंड आउट द एर ऐसे पूछ लेता है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी नो एरर ऐसे पूछेगा आपसे तो आप ये बताइए माई फादर इज द फर्स्ट पर्सन क्या मेरे फादर मेरे फैमिली के फर्स्ट पर्सन है उनसे पहले कोई था ही नहीं भाई दादाजी भी तो होंगे डायरेक्ट फादर आ गए ऐसा हो नहीं सकता तो ये हो सकता है कि मेरे फादर, मेरे फादर फैमिली के मेन मेंबर हो लेकिन वो फर्स्ट नहीं हो सकते तो फर्स्ट को कट करेंगे आंसर होगा फॉरमोस्ट ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फाइंड आउट द कॉमन एरर में बन जाता है तो गॉट इट दोनों बातें है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है प्रायोरिटी बेस पर सबसे पहले और फर्स्ट दिखाता है आपको ऑर्डर को और फॉरमोस्ट दिखाता है मेन को क्लियर ओके अब एग्जाम्पल देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी कि सबसे पहले यू मस्ट लर्न आपको लर्न करना है किसको टू ओबे ऑफ सी सुपीरियर्स कि आप अपने सुपीरियर्स को ओबे ओबे करें उनकी बात को माने उनके आदेश को माने ये हमें सबसे पहले सीखना होता है सुनिए अगला थर्टी एट लिटिल बायिल धीरे 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 मीन ग्रेजुअली का मीनिंग भी क्या होता है धीरे 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 जैसे हम हम कहते हैं हैं ना भाई दीरे दीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ही प्रोग्रेस कर रहा है लिटिल लिटिल ओके धीरे धीरे अब देखो आज आप 50 वर्ड्स को सीख रहे हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं, मैं लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट 50 फिर आगे 50 लेके आऊंगा तो धीरे 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 आपकी वो कैब स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी लेकिन फ्रेंड्स माइंड में हमेशा रखना है कि भाई वो कैब का जो सेशन है उसको आप दो तीन बार देखें कुछ भी आप काम कर रहे हैं सपोज कुछ भी काम कर रहे हैं ईयरफोन लगाइए और अपना काम भी करते रहो वो कैब को सुनते भी रहो तो उससे आपकी वो कैब रेडी हो जाती है नेक्स्ट ऑफ अगला वर्ड है आपका थर्टी नाइन नंबर ऑफ एंड ऑन ऑफ एंड ऑन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कभी ऑफ कभी ऑन कभी ऑफ कभी ऑन कभी ऑफ कभी ऑन समझ जाओ मतलब क्या है इेगुलर काम रेगुलर नहीं हो रहा है कभी छुट्टी कर रहे हैं आप कभी काम पर आ रहे हैं कभी छुट्टी कर रहे हैं यानी कि इेगुलर सुनिए इंग्लिश ऑफ एंड ऑन वो कभी कभी इंग्लिश पढ़ता है इसका मतलब भाई एस एस सी पास नहीं हो पाएगा टीजीटी पीजीटी पास नहीं हो पाएगा आपको रेगुलर काम करना पड़ता है अब इसका अपोजिट आपसे पूछ ले तो ऑन एंड ऑन हमेशा ऑन ध्यान देना हमेशा ऑन है आप इसका मतलब कॉन्टिन्यूस काम कर रहे हैं रेगुलरली काम कर रहे हैं तो ऑन एंड ऑन अगर आपसे पूछे तो उसका मतलब है रेगुलरली और ऑफ एंड ऑन पूछे तो मतलब है इरेगुलरली है He worked on and on for many years. Okay. वो कई सालों से लगातार काम कर रहा था ओके okay? या उसने कई साल बहुत सालों तक लगातार काम किया उसे बोलेंगे ऑन एंड ऑन आइए अगला वर्ड है ऑन द मोरो भाई बहुत ही अच्छा वर्ड है ऑन द मोरो आपने सुना होगा टमोरोमोरो सुना है आपने आने वाला कल उसी का नियम होता है ऑन द मोरो यानी कि नेक्स्ट डे आने वाले कल को हम बोलते हैं ऑन द मोरो या बोल देते हैं क्वेश्चन सुनेंगे वी रीज देयर इन टाइम हम वहां पर टाइम पर पहुंचे एंड ऑन द मोरो और अगले दिन पास्ट का अगला दिन ध्यान देना पास्ट का अगला दिन फ्यूचर का अगला दिन है टुमोरो और पास्ट का अगला दिन उसे बोलेंगे ऑन द मोरो ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट पास्ट के फ्यूचर को ओके okay? और वो करता है प्रेजेंट के फ्यूचर को वी लेफ्ट दैट प्लेस फॉर सॉरी वी लेफ्ट दैट प्लेस फॉर होम ओके और अगले ही दिन हमने उस प्लेस को छोड़ दिया अपने घर के लिए यानी घर जाने के लिए हम निकल गए राइट right? तो ऑन द मोरो वर्ड आए तो दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे द नेक्स्ट डे अब जैसे जब नरेशन आप करते हो तो नरेशन में क्या करते हो टोमो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हो अब tomorrow को आप ऑन द मोरू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं राइट नेक्स्ट आओ एज फिट एज फिडल एज फिट एज फिडल वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कैसा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ओके एकदम फिट फिडल मतलब एकदम हट्टा कट्टा फिट एज अ फिडल वो इतना फिट है एकदम हट्टा कट्टा है तो उसे हम क्या बोलेंगे स्ट्रोंग एंड हेल्दी अब सुनिएगा ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस वो अपनी इलनेस से रिकवर हो गया एंड नाउ ही इज फिट एज़ फिट वो कैसा आया एकदम हट्टा कट्टा फर्स्ट पोस्ट है हेल्दी है नेक्स्ट आइए अगला वर्ड है अज्यूम एयरस अज्यूम एयरस का मतलब होता है हवाई बातें करना अपने आप को सुपीरियर दिखाना किसी के सामने जबकि सुपीरियर नहीं है आप केवल दिखावा कर रहे हैं टू प्रीटेंड सुपीरियरिटी आप

बेल द कैट ये तो आपने सुना होगा कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधना उसे बोलते हैं बेल द कैट एक तरीके से ये क्या होता है इस फ्रेज का मतलब क्या होता है टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क अपने पर्सनल रिस्क पर आप कोई काम करें पहला स्टेप उठाएं जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई, कोई भी पुराने किले टाइप का खंडर है और तो हमेशा जो मेन क्टर मेन लीड रोल जो कर रहा होता है मूवी में वो कहता है कि मैं जाऊंगा ओके okay, मुझे किसी भूत वगैरह से डर नहीं लगता तो वो क्या है बेल द कैट यानी आप पहला स्टेप उठाएं अपने पर्सनल रिस्क पर उसे हम क्या बोलते हैं बेल द कैट मैनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेबरी बोस्ट ऑफ का मतलब है सेखी मारना बड़ी बड़ी बात है बहुत सारे लोग क्या करते हैं सेखी मारते हैं बट वेरी फ्यू लेकिन बहुत कम लोग होते हैं कैन बेल द कैट जो पर्सनली पहला स्टेप उठाते हैं ओके okay, बिल्कुल सच बात है सीखी तो बहुत लोग मारते हैं लेकिन कहने करने की जब बारी आती है ना तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो रेडी होते हैं नेक्स्ट अगला वर्ड है दोस्तों ब्रेक द न्यूज ब्रेक द न्यूज एक होता है ब्रेक द आइस उसको भी डिस्कस करेंगे पहले बात कर लेते हैं ब्रेक द न्यूज ब्रेक द न्यूज वर्ड का मीनिंग क्या होता है टू गिव बैड न्यूज ओके यानी कि न्यूज को ब्रेक करना तोड़ना यानी कि बुरी खबर सुनाना किसी को उसे बोलते हैं टू गिव बैड न्यूज सुनो। न्यूज ऑफ हर ओके वेरी जेंटली उसने उसके हस्बैंड के डेथ की यानी कि हर के जो हस्बैंड के डेथ था हुई थी उसको न्यूज को सुनाया यानी बैड न्यूज दी वेरी जेंटली बहुत विनम्रता से सो एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द शॉक उसने इतनी जेंटली उस खबर को सुनाया कि जो पत्नी थी जो वाइफ थी उसको बहुत ज्यादा शौक न लगे राइट right? तो ब्रेक द न्यूज का मतलब क्या होगा बैड न्यूज देना आगे सुनो फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स है बैड ब्लड बैड ब्लड वर्ड का मतलब समझ जाइए बैड है बुरा है और ब्लड समझते हैं आप यानी कि ऐसे रिलेशनशिप जो बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है बेटर रिलेशनशिप है उनको बोलते हैं बैड ब्लड होना तो द हैव क्रिएटेड का मतलब होता है दंगे द हैव क्रिएटेड बैड ब्लड जो दंगे थे उन्होंने क्या किया बेटर रिलेशन बना दिए बिटवीन द टू कम्युनिटीज दो कम्युनिटीज के बीच में इन इंडिया ओके और इसी का फायदा उठाते हैं लीडर्स आपने देखा होगा आपस में लड़ाते रहते हैं चलो नेक्स्ट ऑप फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन नंबर आपसे क्या बोल रहा है ब्लैक एंड ब्लू ब्लैक एंड ब्लू सुनना काला पीला कर देना भाई किसी को इतना बुरी तरीके से पीटना की काला पीला कर दिया आपने उसे क्या बोलेंगे ब्लैक एंड ब्लू वर्ड का मतलब होता है किसी को बहुत बेरहमी से पीटना द थी वॉज बीटन जो चोर था उसे पीटा गया ब्लैक एंड ब्लू बाय द पुलिस पुलिस के द्वारा कैसे ब्लैक एंड ब्लू आगे सुने फोर्टी एट नंबर है बीट अबाउट द बुश घुमा फिरा कर राउंड अबाउट करना है ना कोई भी बात आपको बोलनी है जैसे सपोज आपको पापा से पैसे लेने हैं या तो आप इधर से उधर बात को घुमा रहे हैं कि पापा मैं इतना पढ़ रहा हूँ आजकल बहुत ज्यादा स्टडी हो रही है ये वो ऐसे ऐसे किताबें चाहिए और लास्ट में आप जाके कुछ और बोलो कि पापा ये पैसे चाहिए थे तो बीट अबाउट द बुश मतलब कि घुमा फिरा के यार बात को आप बोल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं बीट अबाउट द बुश टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैन ओके गोल गोल बात है घुमाना वी शुड ऑलवेज कम टू द द पॉइंट पॉइंट हमें हमेशा पर आना चाहिए एंड शुड नॉट बीट अबाउट बुश और हमें क्या नहीं करना चाहिए घुमा फिरा की बातों को नहीं बोलना चाहिए आइए नेक्स्ट अगला वर्ड है दोस्तों बीट द एयर आप सुनिए अगर आपसे बोला जाए कि भाई एयर को बीट कर दो कर लोगे नहीं ना एयर में आप हार्थ पेयर मार रहे हैं कि मैं एयर को पीट रहा हूं यानी कि ऐसा एफर्ट कर रहे हैं जो यूजलेस है कैसा एफर्ट करना यूज़लेस एफर्ट करना तो बीट द एयर का मतलब होता है टू मेक यूज़लेस एफर्ट्स यानी ऐसे प्रयास करना जो बिल्कुल यूज़लेस है सम स्पीकर्स मिरली जो कुछ स्पीकर्स थे मिरली का मतलब होता है ओनली सिर्फ कोशिश कर रहे थे बीट द एयर इन स्पीच व्हाइल प्रीचिंग जब वो भाषण दे रहे थे तो अपनी स्पीच में केवल क्या कर रहे थे वो यूज़लेस एफर्ट्स कर रहे थे उनसे कोई भी इंप्रेस नहीं हो रहा था सुने अगला नंबर फिफ्टींथ और फिफ्टी आज का लास्ट वर्ड है बिल्ड कैसल इन एयर यानी हवाई किले तैयार कर देना हवाई किले तैयार करने का मतलब क्या होता है टू मेक विजनरी स्कीम स्कीम ऐसी बनाना कि अब क्या है मेरा प्रिय होगा फिर मेंस होगा फिर जॉब लग जाएगी शादी हो जाएगी बच्चे हो जाएंगे घर हो जाएगा बंगला गाड़ी ऐसी ऐसे नहीं होता है तो ये क्या है बिल्ड कैशल्स इन एयर यानी कि हवाई किले तैयार कर रहे हैं आप ऐसे मत जिए स्टेप टू स्टेप चलिए मैनी पीपल हु लिव्स इन 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 ड्रीम्स बिल्ड द एयर एंड डू नॉट सक्सीड लाइफ बहुत सारे लोग केवल इन्हीं विजनरी स्कीम्स में जीते हैं और लाइफ में सक्सीड नहीं होते राइट दोस्तों तो चलिए आज के ये हुए 50 वर्ड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नेक्स्ट वीक फिर एक बार मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ 51 टू 100 और जो भी लोग टिजिटी पिजटी की तैयारी कर रहे हैं बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड बहुत जल्द आपके लिए यूपी okay, एग्जाम आने वाला है तो उसमें भी आप लोगों के लिए तैयारी तो कर रहे हैं जुड़े रहिए है मेरे साथ में और सचन को शेयर करें लाइक करें कॉमेंट करें थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच सबको नमस्कार जय हिंद जय भारत थैंक यू गाइज है